रोहित शर्मा एसएसवी जयसवाल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, तोड़ दिया बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड। और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और यहां तक कि कोच राहुल द्रविड़ का भी माथा चकरा गया। रोहित शर्मा और एसएसवी जयसवाल की बल्लेबाजी ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि रोहित शर्मा ने 244 गेंदों पर 405 रन ठोक दिए, जिसमें 55 छक्के मौजूद है। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि बॉल बाय बॉल को किस तरीके से रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तो वहीं यशस्वी जयसवाल जैसी आंधी तूफान, ये 22 साल का होनहार बल्लेबाज इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो डाला। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल के आगे रोते विलखते नजर आए। ओपनिंग में उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसको देखकर आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल से आप भी इन बल्लेबाजों को सलाम ठोकेंगे। पूरा का पूरा मुकाबला देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। किस तरीके से रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया। पहले ही ओवर में एक शानदार छक्का गगनचुंबी और दो बेहतरीन चौके लगा दिए, जहां पर रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और आज सभी को लग रहा था कि रोहित शर्मा कुछ तो कहर उठाने वाले हैं। तो वहीं यशस्वी जयसवाल दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन दोहरी शतकी पारी खेली थी और तीसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यशस्वी जयसवाल एक ऐसा खुकार विस्फोटक बल्लेबाज बन चुका है जो इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं रखता है। यशस्वी जयसवाल रोहित शर्मा के ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चल रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इनकी जोड़ी को कैसा तोड़ा जाए। रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में लगातार 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर यशस्वी जयसवाल ने चौथे ओवर में 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यशस्वी जयसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर आग लगा रही थी और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों को धो रहे थे। यहां पर इंग्लैंड के कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहां पर हो क्या रहा है। इंग्लैंड के कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जयसवाल के आगे रोते विलखते नजर आए और उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि जिसको देखकर आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां पर 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे ये मानो कि तूफान आ गया हो। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख कोच राहुल द्रविड़ का भी माथा चकरा गया। इस तरफ बुमराह ने भी काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर बुमराह भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर शॉक थे क्योंकि रोहित शर्मा लगातार कई मैचों से फ्लॉप होते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि पूरे के पूरे स्टेडियम में रोहित का नारा लगने लगा। रोहित और जयसवाल की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को डट करके धो रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को इस बार काफी बड़ा झटका लग गया। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर 12वें ओवर के चौथी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जयसवाल जैसे बल्लेबाज जो कैच आउट का सामना कर बैठे। यशस्वी जयसवाल जैसे ही आउट हुए मैदान पर सनसनी छा गई क्योंकि यशस्वी जयसवाल काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी भी काफी ताबड़तोड़ कर रहे थे, लेकिन यहां पर यशस्वी जयसवाल आउट तो हुए लेकिन 112 रनों की नाबाद पारी खेल गए, यानी कि शतकीय पारी फिर एक बार खेल गए। जैसे ही यशस्वी जयसवाल आउट हुए, रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर सुमन गिल जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आ गए। सुमन गिल लगातार कई मैचों से पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुमन गिल ने इस बार अपना काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर पड़े। सुमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया। वैसे यशस्वी जयसवाल ने पहले दिन दूसरे दिन भी धोया और यहां पर तीसरे दिन 112 रन ठोककर उनको फिर धोया और तीसरे दिन सुमन गिल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में और मैदान पर उतरते ही छक्के से बात की और चौके छक्के से बात करते हुए रोहित शर्मा का इस बार बखूबी साथ दिया। अब सुमन गिल ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इतना देर तक रोहित शर्मा का साथ नहीं दे पाए, लेकिन रोहित शर्मा तो काफी ज्यादा गुस्से में खेल लेते हैं क्योंकि उन्हें पहले टेस्ट का हार का बदला लेना था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में पहले टेस्ट मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे उसका भी उन्हें बदला निकालना था। रोहित शर्मा ने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनको छठी का दूध याद दिला दिया। ऐसी बल्लेबाजी की वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज मैदान पर तूफान आने वाला हो। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ने दबा करके बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 25वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के जड़ दिए, लेकिन सुमन गिल क्या रन बना करके आउट हो गए। सुमन गिल जैसे ही आउट हुए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश अय्यर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आए। सुमन गिल और सुरेश अय्यर अर्धशतक भी नहीं ठोक पाते हैं। फिलहाल इस बार सुमन गिल ने 51 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। सुरेश अय्यर ने मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज
बल्लेबाजी करनी शुरू की और रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया। रोहित शर्मा का साथ देते हुए शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहाँ पर रोहित शर्मा का थोड़ी देर तक साथ दिया और 31 रन बनाकर के श्रेयस अय्यर भी आउट हो लिए। आप सभी को बता दें कि श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल आउट हुए, जहां पर रोहित शर्मा काफी ज्यादा अभी गुस्से में खेल रहे थे और उनका साथ देने के लिए अश्विन भाई मैदान पर थे। अब रोहित शर्मा और अश्विन घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। पहले टेस्ट मुकाबले में विकेट कीपर केएल राहुल ने और रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोया था, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे इन बल्लेबाजों से। लेकिन एक बल्लेबाज अपनी प्रॉब्लम की वजह से दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल पाए, जहां पर रोहित शर्मा ने, यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर ऐसा चल रहा था ये मानो कि तूफान आ गया हो। रोहित शर्मा को पहले ही टेस्ट मुकाबले की हार का बदला लेना था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में फ्लॉप रहे उसका बदला लेना था। अब दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन रोहित शर्मा खुखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। यहां पर 55वें ओवर में रोहित शर्मा ने फिर 6 गेंदों पर लगातार गगन चुंबती 6 छक्के जड़ दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। अब घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इंग्लैंड के हैरान और परेशान थे। आप सभी को बता दें कि यहां पर इंग्लैंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित शर्मा को कैसे आउट किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे रोहित शर्मा यहां पर तिहरी चौथी शतक की पारी खेल चुके थे और रोहित शर्मा ने 400 रन ठोक दिए। अब तीसरा दिन का मुकाबला जो है रोहित शर्मा के नाम और रोहित शर्मा ने तीसरे दिन ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ये दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।